हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज योर होस्ट कार्तिक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो आज का जो दिन है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के दिन हम लोग का वैक्सीनेशन होने वाला है, मेरा और मेरी वाइफ का। तो आपको बताता हूँ मैं क्या सीन है करके, कैसा क्या हुआ है करके। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट गाइस। सो जो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन जो सेंटर है हमारे यहाँ का, वहाँ पे नहीं हो रहा है। मेरी वाइफ जो है वो TCS में जॉब पे है, तो उसका यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन दे रहा है, और जो भी बेनिफिशियरीज़ है, जो एडेड बेनिफिशियरीज़ रहते हैं उनके अकाउंट में, उन लोग को वैक्सीनेशन मिल रहा है। तो मैं एज अ हस्बैंड एडेड बेनिफिशियरी हूँ, तो मुझे भी वैक्सीनेशन मिलने वाला है उसके थ्रू। तो इसके लिए मैं भी जाने वाला हूँ, आज विक्रोली जाना है हमें। एंड या थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बिकॉज आज का सुबह का मतलब स्लॉट है हम लोग का, ऑलमोस्ट 11 बजे का स्लॉट है। फिर उसके बाद मौसी के यहाँ पे भी जाना है, तो देखते हैं कैसा सिचुएशन बनता है। बिकॉज कैसा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मतलब वैक्सीनेशन लेने के बाद वो लोगों को बुखार आया एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली ऐसा होता है, थोड़ा टाइम तो लगता रहेगा। ऑलमोस्ट कोई कोई लोग ने रिपोर्ट किया है कि रात को हुआ है, अगले दिन हुआ है। सो हम लोग यहाँ से विक्रोली जाने वाले हैं। विक्रोली में हम लोग का तीन या चार सेंटर्स ऐसे दिखा रहे थे, मतलब TCS का जो ब्रांच है उन लोग का दिखा रहा था। एक विक्रोली का था, एक थाने का था, गोरेगांव का था, एंड आई थिंक सो मापे का भी किधर का तो था, मुझे नहीं मालूम मापे में किधर है TCS, बट ऐसा ऑप्शन दिखा रहा था एड्रेस में। तो मेरी वाइफ ने विक्रोली का ही चूज़ किया, बिकॉज विक्रोली का ऐसा है, उसे पता है, बिकॉज वो वहाँ पे जॉब पे जाती थी, तो उसे सब जगह के बारे में पता है। वैसे हम लोग थाने में भी जा सकते थे, बट हार्डली 4 या 5 किलोमीटर का डिफरेंस है विक्रोली और थाने के, इसमें हम लोग के यहाँ से डिस्टेंस दुम्बली से। तो या विक्रोली का किया हुआ है, अभी विक्रोली जाना है। विक्रोली में हम लोग देखेंगे क्या प्रोसेस है एंड ऑल। हम लोग का जो स्लॉट दिया गया है वो 11 से 1 का स्लॉट है, तो अभी सुबह के कुछ 8:30 बज रहे, तो 9:45 तक निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से, बिकॉज ट्रैफिक भी फिक भी रहेगा, बिकॉज जॉब का टाइम रहता है, तो काफ़ी लोग और बाई रोड भी जाते हैं इसीलिए। तो अभी नाश्ते में बना है नीर डोसा, जैसे कि आपने देखा। सो नाश्ता सब कर लेता हूँ, वाइफ ने तो कर लिया है, अंदर जाके रेडी हो रही है अभी। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में निकलना है हम लोग को। डैडी तो अभी ये देख रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना, न्यूज़ देख रहे हैं, तो न्यूज़ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो एक है। तो यार फटाफट नाश्ता करते फिर निकलते, बिकॉज हम लोग को लेट नहीं होना है, बिकॉज रास्ते में किसी ने रुकाया, पुलिस वाले ने रुकाया, तो हम लोगों को रीज़न भी देने को होना चाहिए, बिकॉज कैसा है, रीज़न देगा तो ही आगे जाने देते। तो वैसे तो हमारे पास वैलिड रीज़न है वैसे भी। तो या वैसे आज का वेदर भी काफ़ी क्लाउडी है, बारिश तो होगा नहीं, बट ह्यूमिड रहेगा क्लाइमेट। और सो मैं फुल रेडी हो गई है। फर्स्ट टाइम कितने टाइम बाद जा रही है ऑफिस? ऐसे तो गई थी मैं बीच में PC खराब था करके, लेकिन ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 2 साल बाद बीच में एक ही बार गई थी PC खराब था करके। वैसे मैं गया था इसके यहाँ पे पहले, बिकॉज मेरा एक दोस्त का उधर ही ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब ऑफिस है, फैक्ट्री का एक आउटलेट है वहाँ पे विक्रोली में, तो वहाँ पे गया था मैं। बट TCS में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बिकॉज अंदर तो मेरे ख्याल से कैमरा अलाउड नहीं है, बिकॉज इसने भी बोला है अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं रहता है, ना वीडियोग्राफी अलाउड रहता है, तो ये चीज़ में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे उन लोग इन प्रीमाइजेस। बाहर देखते हैं निकल के, फिर आपको मैं अपडेट दूंगा कि कैसा मेरा प्रोसेस रहा और कैसा गया करके सब चीज़, कितने अच्छे स्मूथ फ्लो में गया। एंड वैसे तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा आज मोटो ब्लॉग नहीं रहेगा ये वीडियो में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो GoPro का बैटरी है वो पूरा ख़राब हो चुका है, अभी बैटरी भी नहीं मिल रहा, मेरे को याद भी नहीं कि बैटरी रखा कहाँ पे था मैंने, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मोटो ब्लॉग तो होगा नहीं, सिंपली जाएंगे, वैक्सीनेशन लेंगे, फिर आएंगे, फिर वापस से हम लोग को मौसी के यहाँ पे भी जाना है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, मतलब कैसा मतलब रिएक्ट होता है वैक्सीन हमारे ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एक चीज़ है। तो या सो गाइस, अभी जस्ट मैं विक्रोली से आया, सो मैं अंदर है, अभी हम लोग को मौसी के यहाँ पे जाना है। तो वैक्सीनेशन हो चुका है हमारा फर्स्ट, एंड जो प्रोसेस था वो काफ़ी अच्छे से हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटो ब्लॉगिंग हो नहीं सकता था, बिकॉज यू नो कैमरा मेरा प्रॉपर नहीं है, GoPro प्रॉपर नहीं है, एंड सेकेंड थिंग ये है कि TCS के कैंपस में कैमरा अलाउड नहीं है, ना वीडियोग्राफी ना फोटोग्राफी, वैक्सीनेशन ड्राइव में भी अलाउड नहीं है। तो एक ऊपर से ऊपर एक ऊपर ऊपर से मैं बताता हूँ आपको कि कैसा था प्रोसेस। काफ़ी इजी था, एंड जो भी एम्प्लॉयज़ है और उनके बेनिफिशरीज़ है उनके लिए ही है वैक्सीनेशन प्रोसेस, और किसी के लिए भी नहीं है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। बेसिकली जो मैनेजमेंट था, जो प्रोसेस था, वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज था, एंड
काफ़ी जल्दी हुआ बेसिकली, अगर 10-15 मिनट में हो चुका था। एंड सेकेंड थिंग ये है कि ये सब करने के लिए पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, काफ़ी मिनिमल टाइम के लिए ही रहता है, आई थिंक सो 28 तक है फिलहाल के लिए, तो उसके बाद शायद बंद होगा या फिर एक्सटेंड होगा, नो आइडिया, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। एंड जो बाकी था ऑलमोस्ट आई थिंक सो मेरी वाइफ ने किया था 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया था, फिर कल हमें ये मिला, कॉल आया था कि कन्फर्मेशन करने के लिए कि आज आप आ सकते हो क्या या फिर आज आप आने वाले हो क्या। तो हम लोग को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया था 11 से 1 बजे का, और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था सब कुछ, ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ 10 मिनट में तो हो चुका था हमारा वैक्सीनेशन, 10 या 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट हो चुका था। उसके बाद 30 मिनट का आपको वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन इसमें जो कि कंपलसरी है। काफ़ी लोग क्या करते कि थोड़ा होने के बाद निकल जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि बाद में आपको रास्ते में चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी लोग को हुआ ही है, आग के सामने एकदम अंधेरा अंधेरा हो चुका था, चक्कर आया था, ऐसे भी लोग है, मतलब केसेस है बेसिकली। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि वैक्सीनेशन लेने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट का जो ऑब्जर्वेशन डेक में बैठने को बोला जाता है वो प्रॉपरली कंप्लीट करें, फिर निकलिए अगर आपको अच्छा लगता होगा तो। बिकॉज़ कैसा है कि फालतू में आपका रिस्क नहीं लेना चाहिए कहीं पे भी जाके। तो हम लोग तो वैसे तो व्हीकल लेके गए थे, बाइक से गए थे, तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना था आने के टाइम पे, तो इसके लिए हम लोग ने आधे घंटे से ऊपर हम लोग बैठे थे बेसिकली। अभी ऑलमोस्ट कितना 45 मिनट्स में तो हम लोग पहुँच गए डोंबिवली, बिकॉज 11 के बाद तो लॉकडाउन लगता है तो रास्ता ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, तो वो एक अच्छा है। जाने के लिए 1 घंटा लगा था, आने के लिए 45 मिनट्स लगा था। तो अभी हम लोग को जाना है मौसी के यहाँ पे, फिर मौसी के यहाँ पे जाने के बाद, मतलब मौसी के यहाँ पे खाना खाने बुलाया हम लोग को, तो वहाँ पे जाना है। तो या लेट्स मूव। सोयाबीन है और क्या भिंडी भाजी का क्या है वो बैंगन का मच्छी दिख रहा है, मच्छी है ना वो, मेरे को डालता ही नहीं था, कभी कभी ध्यान में नहीं रहता, पूरा भाजी मिक्स करके ऐसा बनाया, पेटीज मेरे खाने के पेटीज हाँ मेरे खाने के इसमें ध्यान में रहता है, इसमें नहीं समझते है ऐसा ये टेढ़ा करेगा तो किधर मुड़ रहा है, तेल कर रहे, तेल नहीं है वो, पानी है, मोबाइल का आदत नहीं है ना, तेरे को क्या रीजन बोला ये रिपीटर कुछ नहीं अगले दिन का हेल्थ अपडेट क्या है तेरा अगले दिन? अरे बाबा मैं ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो आप लोग कुछ भी नहीं
इतना थोड़ा ही बचा है तो ये काम है भजिया का नहीं जा रहे हैं आराम आराम से कहा कॉम्पिटिशन नहीं लगा है कोई भैया मम्मी डैडी को भी बुलाएगा करके सोच रहा है मैं वेज नॉन वेज में अच्छा नहीं लगता इसके लिए दूसरा बुलाएंगे और मैं तो कर रही हूं और मैं जा रही हूं इसके भाई को अच्छा लगता है इसे ही नहीं आ कैमरा तो बोल दिया नहीं ऐसा नहीं मैं पूछ रहा था तेरे को क्या तेरी बहन तो सबके लिए केक लेके जाती है ना फिर उसको काम धंधा नहीं है नहीं क्यों काम धंधा नहीं ऐसे ही पड़ी रहती है क्यों काम नहीं इसलिए तो सबको केक बांटने का वो कल घर छोड़ के आई थी ना वापस क्यों आई फिर घर पे क्या पता भूख लगा ना उसको इसके लिए भूख की उधर अच्छे से मिल रहा नहीं था नहीं उसको इधर का खाने का था बोलते अभी भी लेके जा रहे उसको नूडल बनाने का है ना नूडल बनाने का फिर अगर मैं आएगा तो हाँ ठीक है चलो मैं क्या पर तू आके करेगा क्या बैठेगा नूडल देखेगा तेरी बहन डांस विंस करती है टाइम पास करती रहती है डांस करती है हाँ गाना भी गाती है हाँ गाना गाती है हाँ गाती है बजा इतना भारी गाती है उन लोग चिल्लाने लगते गाने की वजह से नहीं उस दिन अच्छा गा रही थी देखा था मैंने सो गाइस हम लोग अभी मौसी के यहाँ से आए घर पे ऑलमोस्ट आई थिंक सो एक घंटा हो गया रहेगा एंड वैक्सीन लेके आई थिंक सो 6-7 घंटा हुआ रहेगा राइट तो ज़्यादा हो गया 6-7 घंटे का तो आफ्टर वैक्सीनेशन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है नॉर्मली जिधर वैक्सीन दिया था सिर्फ उतना ही हैंड पेन ही हो रहा है बाकी कुछ नहीं लग रहा है सो मेरे को स्टार्टिंग में कुछ नहीं लग रहा था बट अभी थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो ऐसा अपडेट करते रहूँगा एंड कल के दिन देखते हैं बेसिकली जितने लोगों का मतलब क्वेरी था या फिर कंसर्न था जो बोलते हैं कि रात के टाइम पे मतलब बुखार आता है या फिर कुछ होता है मतलब वो आउट ऑफ फोर मतलब एक जन या फिर ऐसा कोई ना कोई रहता है जिनको ऐसा बुखार आता है बट मेजॉरिटी जितना मैंने नोटिस किया है जो 45 प्लस का वैक्सीनेशन ड्राइव था उसमें काफ़ी कम लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स दिख के आया है वैक्सीनेशन का दिखा रहेगा ज़्यादा बट 18 प्लस के इसमें ना मोस्ट ऑफ द पब्लिक को दिख के आ रहा है साइड इफ़ेक्ट्स बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स मतलब बुखार आ रहा है या फिर बॉडी पेन हो रहा है या फिर एकदम नॉर्मली कैसा है कि काफ़ी इंफॉर्मेशन जो होती है वैक्सीनेशन के बाद डूस एंड डोंट्स होती है वो सब जगह पे प्रॉपरली बताया नहीं जाता या फिर कोई कोई जन ध्यान नहीं देते प्रॉपरली जो अनाउंस किया जाता है तो ये चीज़ को कुछ लोग इग्नोर करते हैं जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ने तो सब मतलब जो बताया गया था उतना सब किया है अभी देखते हैं आगे कैसा होता है मैं कल के दिन आपको एक लास्ट अपडेट दूंगा कि क्या सीन है करके कैसा मतलब रिएक्शन है वैक्सीनेशन का सब प्रॉपरली है या नहीं करके तो फिलहाल तो अभी खाना चल रहा है दोपहर को तो खाना मौसी के यहाँ पे हुआ था अभी जस्ट खाना करके सोएगा नहीं तो फालतू में वीकनेस नहीं मांगता है इसके लिए तो या हे गाइस गुड आफ्टरनून दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन एंड एक छोटा सा अपडेट देना चाहता था मतलब आफ्टर वैक्सीनेशन मतलब क्या रिएक्शन हुआ है एंड ऑल जैसे कि मैंने आपको कल केस में बताया था तो यार रिएक्शन तो कुछ हुआ नहीं जस्ट जो लेफ्ट हैंड में वैक्सीन दिया था उसमें से पेन हो रहा है और रात के टाइम पे यहाँ पे जॉइंट पे थोड़ा बहुत ऐसा क्या बोलते हैं अंदर से ऐसा खींचने जैसा लग रहा था बाकी कुछ हुआ नहीं ना बुखार आया कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है वो और मेरी वाइफ भी यहाँ पे बैठी है उसको नॉर्मली पैर के यहाँ पे ऐसा पेन हो रहा था जॉइंट में एंड हाथ जहाँ पे वैक्सीन दिए है वहाँ पे दुख रहा था बाद में बाकी तो कुछ हुआ नहीं
नॉर्मल था। तो या दैट्स अ स्मॉल अपडेट गाइस, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वैक्सीनेशन का। एंड आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है वैक्सीन लेने का आपके यहाँ पर नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर में, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन ले ले। बिकॉज़ क्या होगा कि बाद में अगर शॉर्टेज हो गया तो वही प्रॉब्लम होने वाला है, स्लॉट बुकिंग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बिकॉज़ मिल नहीं रहा है स्लॉट। वैसे तो मैंने आपको मेरे प्रीवियस टू प्रीवियस व्लॉग्स में बताया होगा कि ADMC के यहाँ पे स्लॉट्स बुकिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ एक ही वैक्सीन सेंटर यहाँ पे था। बट लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन TCS एज माई वाइफ इज़ वर्किंग देयर, तो वहाँ पे हम लोग को मिला वैक्सीनेशन, तो आई एम गुड। एंड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए नहीं, वो एक अच्छी बात है, जस्ट पेन है, दैट्स इट। तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली वैक्सीन ले ले, बिकॉज़ यू नो इट्स अ गुड थिंग। एंड वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मास्क, बिना मास्क का मत घूमो पहली बात तो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वैक्सीन ले लोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, बिकॉज़ कैसा है वैक्सीनेशन लेने के बाद इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोरोना होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी दूसरे को कोरोना का इन्फेक्शन दे सकते हो, अगर आपको भी हुआ नहीं तो भी आपके हाथ में उसके जर्म्स होंगे ही। तो वेल एंड गुड है कि आप मास्क पहनो, विदाउट मास्क घूमो मत, इट्स फॉर योर गुड। एंड या गाइस, बाकी तो यार अपने को जो कुछ डूस एंड डोंट्स जो बताया जाता है उसे फॉलो करना है, दैट्स इट। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड ही करो। या गाइस, दिट्स अ शॉर्ट अपडेट एंड शॉर्ट वीडियो, आई होप सो यू लव दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक दिस प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो कमेंट डाउन करो, तो मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फेल्ट दिस वीडियो एज इन्फॉर्मेटिव। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ। Bye.